ने शिरकत की। एसोसिएशन में पीपल्स लॉयर्स फॉर्म की जानिब से पीपल्स पार्टी की 50वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में कराची बार के सदर नईम कुरैशी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो सईद गनी समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब में खिताब करते हुए निसार खोड़ो का कहना था कि 12 मई का वाकया कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दिन शहर में दहशत गर्दी देखी गयी। उन्होंने कहा कि बदतरीन जमहूरियत भी आमरियत से बेहतर है। मजहबी और लिबरल डिक्टेटर भी देखे और उनका मुकाबला भी किया। हमने फिर उसी पार्लियामेंट का साथ दिया और कहा कि नहीं, ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होनी चाहिए कि जो पार्लियामेंट को कमजोर करके दिखा दे, उसके ऊपर हमले होने की इशारे दे कि हमला होने वाला है। अब बस कल का दिन उनका है और ये वो दिन है। हमने उसके वक्त भी पार्लियामेंट की हिमायत की, चाहे हम हुकूमत में थे या नहीं थे। जबकि कराची के सदर सईद गनी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की तारीख वकला के बगैर नामुकम्मल है। कराची बार का जमहूरियत के लिए हमेशा किरदार रहा है। बिलावल भुट्टो की कयादत में पीपल्स पार्टी को बहाल करना है। पीपल्स पार्टी के पास मुस्तकबिल की कयादत बिलावल भुट्टो है। जो नाम कराची बार ने आमिरों के खिलाफ जद्दोजहद में हासिल किया, उसकी मिसाल मैं समझता हूँ बहुत कम मिलती है। तो आज पीपल्स पार्टी को 50 साल पूरे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ ये बात मुनासिब होगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कयादत में हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की असल पीपल्स पार्टी को रिवाइव करने की तरफ जाएं। तकरीब के बाद रहनुमाओं की जानिब से केक भी काटा गया और पीपल्स पार्टी के हक में नारेबाजी भी की गई।